अमृत जी न्यूज पटना बिहार के ओर से आपका हार्दिक स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय देते हुए बताएंगे दर्शकों को कि ये जो कला प्रदर्शनी आपने लगाई है कला मंगल श्रृंखला के अंतर्गत, उसमें दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जी? अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम सोमा आनंद है और मैं एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। मैंने आर्ट की डिग्री या ट्रेनिंग एज सच कहीं से लिया नहीं है, पर अपने भावनाओं को मैं उकेरती आ रही हूँ लंबे समय से। और यहाँ ये ललित कला की प्रदर्शनी जो है कला मंगल सीरीज़ के तहत हो रही है। इस कला मंगल सीरीज़ में युवा कलाकारों को मौका दिया जाता है। एक एग्जीबिशन होती है जिसमें युवा प्रतिभागियाँ चुने जाते हैं, तो ये युवा कलाकारों की और कंटेम्प्रेरी आर्ट की ये एग्जीबिशन है। तो यहाँ हम लोग करीब 30 आर्टिस्ट हैं और सब जिनमें पेंटिंग्स भी है, स्कल्पचर्स भी है, ग्राफिक्स भी है और कई तरह की चीज़ें हैं। यहाँ आर्टिस्टों ने अपनी कला का बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है। तो ये जो है एग्जीबिशन, वो अकादमी जो है वो कलाकारों को अपलिफ्टमेंट के लिए करती आ रही है और हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है इस एग्जीबिशन से। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है हम सभी आर्टिस्टों को। कई ऐसे आर्टिस्ट भी हैं यहाँ पे जो अभी स्टूडेंट हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं आर्ट कॉलेज में, और कई एमेच्योर भी हैं जिनकी ये पहली प्रदर्शनी है। तो हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। आप इस कार्यक्रम की ये कोऑर्डिनेटर भी हैं क्या? मैं इस कार्यक्रम की, मैं इस सीरीज एग्जीबिशन की कोऑर्डिनेटर भी हूँ और ये सारा एग्जीबिशन थोड़ा मेरे मार्गदर्शन के अंदर ही चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत मतलब खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक बात है कि मुझे ललित कला ने सेलेक्ट किया है एज अ कोऑर्डिनेटर। और यहाँ मेरी पेंटिंग्स जो है, मैं बेसिकली काम करती हूँ कंटेम्प्रेरी आर्ट जिसमें मधुबनी आर्ट के एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं चूँकि मूलतः मधुबनी निवासी हूँ, मेरा गांव मधुबनी के ही क्षेत्र में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये मधुबनी आर्ट जो है वो मेरे कला में, मेरे वे ऑफ एक्सप्रेशन में आ ही जाता है। तो मेरी फिगरेटिव पेंटिंग्स है, मोस्टली नारी शक्ति को लेकर मैं काम करती हूँ। यहाँ मैंने दिखाया है कि जो नारी है, और यहाँ मैंने आधा नारी का रूप और आधा दुर्गा का रूप मैंने लिया है। यहाँ मैंने दिखाया कि हर नारी के अंदर शक्ति छुपी होती है। हर नारी एक दुर्गा का एक रूप है। ज़रूरत बस है कि उस शक्ति को उभारने की, उसका उचित प्रयोग करने की। तो मैंने यहाँ पे उसको एक मेडिटेशन यंत्र के साथ भी दिखाया है। ये दुर्गा विष्ट यंत्र है जो हम लोग दुर्गा की जब आराधना करते हैं नवरात्रा में, तो इस यंत्र की पूजा करते हैं। तो इस माध्यम से मैंने दिखाया है कि हम अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाएं, उसे प्रेरित करें बाहर आने को, क्योंकि हम महिलाएं कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया है कि ये जो इधर आप जो वाइट रेड का जो मोटिव देख रहे हैं, वो एक्चुअली में ये ऐपन है। हमारे मिथिला में हम लोग ऐपन दिया करते हैं, ऐपन। तो ये हम लोग जब भगवती की आराधना करते हैं उनके आह्वान के लिए ये ऐपन देते हैं। तो उस ऐपन के माध्यम से मैंने दिखाया कि जिस तरह से हम देवी जी की आराधना करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, शक्ति को पूछते हैं, तो अंदर छुपी शक्ति का संचार भी हमें ही करना है, उस शक्ति को हमें उभारना भी है। और यहाँ ये सारे साड़ी के पल्लू में सफ़ेद और लाल पाड़ वाली साड़ी जो है वो दुर्गा पूजा में एक सिंबॉलिक आइकन बन चुका है। तो यहाँ मैंने उसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट करके दिखाया है कि जहाँ नेगेटिविटी होती है पॉजिटिविटी, वही इन दोनों का बैलेंस ही जीवन है। तो उसको बैलेंस करके कैसे चलना है और हमें अपनी शक्तियों का संचार करना है, इस पेंटिंग के माध्यम से मैंने दिखाया है। नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, नकारात्मक विचार, उस पर कंट्रोल कैसे होगा? जी बिल्कुल, बहुत सही। क्योंकि समाज में अशांति इसी कारण से, हिंसा भी इसी कारण से। बिल्कुल, देखिए नकारात्मक शक्तियों का उभरना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना आए तो एक इंसान जो है वो इंसान नहीं, मशीन रह जाएगा। तो जो नकारात्मक शक्ति हमें ऊपर आती है, तो हमें ज़रूरत है जितनी सकारात्मक चीज़ें हैं ना, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, उन सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाने के बारे में सोचें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने कार्यकलाप को रखें। तो जो नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिविटी है, वो अपने आप खुद ब खुद दब जाएगी और वो बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो जितना हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, उतनी नेगेटिविटी अपने आप बैकग्राउंड में जाती चली जाएंगी। जो सकारात्मक वर्क है, जैसे वैदिक मंत्रों का जप, ये नवरात्र में साधना जी, और फिर ये दुर्गा सप्तशती का पाठ, या ये जो धार्मिक ग्रंथ है उसका पाठ, और दूसरे के प्रति मतलब विश्व कल्याण की भावना,
ये अगर रखेंगे तो हमारे पास सद्विचार आएंगे, अच्छी किताबें पढ़ना, सद साहित्य पढ़ना। ऐसा कहा भी जाता है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, वैदिक ध्वनि सुनना चाहिए, तो जब एक संगीत भी, संगीत भी सुनना चाहिए। जब एक गर्भवत शिशु पे इन चीजों का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तो हम तो फिर भी चलते फिरते इंसान हैं और एडल्ट हैं, तो कहीं ना कहीं हम पे जरूर पड़ता है। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने के लिए हमें पॉजिटिविटी के आसपास ही अपने आप को डेवलप करना है, पॉजिटिव चीज़ें पढ़नी है, सकारात्मक कार्यों को करना है, कहीं नेगेटिविटी दिखे तो उसका विरोध करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और सज्जनों का साथ भी जरूरी है, सज्जनों का साथ रहेगा तो हमें सद्विचार आएगा ही, और सद साहित्य भी पढ़ना जरूरी है। साहित्य का तो खैर बहुत बड़ा योगदान होता है, अच्छी साहित्य पढ़ने से हमारे विचार खुद सकारात्मक होते जाते हैं, तो साहित्य का तो बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कला और साहित्य दोनों साथ साथ ही चलते हैं, पॉजिटिविटी पेंटिंग्स में भी, नेगेटिविटी लोग कहते भी हैं कि रोते हुए बच्चे की या रोते हुए औरत की तस्वीरें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, वो भी नेगेटिविटी एनर्जी। और हिंसक पशु, हिंसक पशुओं का नहीं, महाभारत लड़ाइयों के दृश्य के पेंटिंग्स घर में नहीं लगाने चाहिए, तो पेंटिंग्स का साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में, तो ये सकारात्मकता तो लाती ही है। और कुछ पेंटिंग्स आपकी है? जी बिल्कुल, ये पेंटिंग्स भी, ये तो मैंने शिवा के ऊपर बनाया है, शिवा जो हमारे आदि गुरु हैं, आदि शक्ति का स्रोत हैं, तो शक्ति और शिवा जो हैं दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे नर और मादा ये सृष्टि के रचयिता हैं, अगर हम सृष्टि को बढ़ाने चाहते हैं, हमारी जो जीवन पद्धति है वो नर मादा से जुड़ी हुई है, तो वो कहाँ से आई है, वो शिव और शक्ति, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो मैं शिव जी को, नर और नारी, जी नर और नारी, शिव जी का एक रूप भी है अर्धनारीश्वर, तो शिव और शक्ति समान रूप से चलते हैं, तो यहाँ मैंने शिव जी की शक्तियों को दिखाया है, शिव उनके जो वाहन है नंदी, नंदी बैल, और यहाँ मैंने दिखाया है, यहाँ मैंने ये नंदी बैल दिख रहा है, यहाँ पे मैंने नंदी बैल को दिखाया हुआ है, और यहाँ मैंने दिखाया है शिवलिंग को दो सर्प लपेटे हुए हैं, यहाँ पे भी मैंने वही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात की है कि जैसे जीवन में दोनों समान रूप से चलते हैं और उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इसलिए जहाँ सकारात्मक चीजें हैं वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी उभरती हैं, तो उनका बैलेंस बहुत जरूरी है जीवन में, तो यहाँ मैंने शिवा के माध्यम से भी वही कहना चाहा है। अच्छा, ये महाकाल किसे कहे? जी महाकाल शिवा का ही रूप है, जी हमारे शिवा का सबसे रौद्र रूप है, रौद्र रूप है वो महाकाल, तो कहीं ना कहीं शिव जी के कई अवतार ये बताते हैं कि जहाँ सौम्यता जरूरी है वहाँ कहीं पे रौद्र होना भी चाहिए होता है, प्रकृति भी देखते हैं, प्रकृति भी कई बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें लाती है, लेकिन कभी कभी वो अपना रौद्र रूप भी हमें दिखाती है, अगर कोई अपना रौद्र रूप ना दिखाए बहुत, अगर वो स्नेहिली हमेशा रहे तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा समझने में भूल करने लग जाते हैं, हम उसे ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो वो रौद्रता भी बहुत जरूरी है। और एक बात और, महाकाल पर मनुष्य विजय नहीं पा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य को आभास देना बहुत जरूरी है ईश्वर को, कि आप कितने भी बड़े हो जाएं पर आप ईश्वर से बड़े नहीं हैं, मनुष्य मानव ही है, मानव जाति ही रहेगी, तो अपने महाकाल महारौद्र रूप में शिव जी ने यही दिखाया है कि मनुष्य जो है वो आदम जाति है, वो मनुष्य होके रहेगा, ईश्वर पे विजय पाना आसान नहीं, इसलिए मौत पर भी विजय नहीं, जब यमराज जाता है तो उसको लेके ही जाता है, चाहे कितना भी सज्जन हो या दुर्जन हो, मौत पर विजय नहीं पाता। ये यहाँ यहाँ ये पेंटिंग्स, इसका टाइटल है रोल प्ले, यहाँ मैंने एक हिंदी में बताएं क्या रोल प्ले, रोल प्ले मतलब भूमिका को निर्वाहन करना। अच्छा अच्छा, यहाँ मैंने एक स्त्री को एक पेड़ से कंपेयर करके दिखाया है कि जिस तरह एक स्त्री के जीवन में कई सारे भूमिकाओं का निर्वाहन करती है, वो एक बेटी है, बहन है, पत्नी है, बहू है, माँ है, फिर वो दादी नानी, वो सब बनती है, तो उसी प्रकार जैसे वृक्ष एक जो है वो हमें कई रूपों में हमें बेनिफिट करता है, जैसे वो फल फूल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, एनर्जी देता है, ग्रीनरी लाता है, और कहीं ना कहीं जब वो वृद्ध हो जाता है और जब वो पेड़ सूख भी जाता है तो उसकी लकड़ी काम आती है, तो एक पूरा जीवन समर्पित है दूसरों के लिए, नारी का भी जीवन जो है वो पूरी तरह से समाज के लिए, परिवार के लिए समर्पित होता है, तो इस पेंटिंग में मैंने वही दिखाया। बहुत अच्छा संदेश भी बहुत अच्छा जा रहा है। और एक बात और, ये वृक्ष जो है या प्रकृति, उसे नारी का ही रूप कहा गया है, जाता है जी। जी। और पर्यावरण संरक्षण में भी नारी का ही बहुत ही उच्च भूमिका होती जी, है जी, जी।
और परिवार के पालन पोषण में तो कहा ही नहीं जा सकता, नारी का तो रूप त्याग ममता प्रेम, हाँ, त्याग ममता प्रेम का रूप होती है नारी जी, तो उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जो उनका जो उनकी अदा है उसके अनुसार हमें धन्यवाद भी देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैं कहूँगी कि आपने अपना समय निकाल के हमारी पेंटिंग्स में इतनी रुचि दिखाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर पेंटिंग्स बना करके और कला जगत की सेवा की है, और उम्मीद है कि भविष्य में और भी इस तरह की कलाकृतियों का निर्माण करेंगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पुरस्कार मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ साथ ही साथ पुरस्कारों की बारिश हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभकामनाओं के साथ रंजन कुमार, अमृत तिथि, अमृत तिथि न्यूज, पटना बिहार।